हेलो दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि YouTube जो हमारी एप्लीकेशन है उससे साइन आउट कैसे किया जाता है। YouTube में जब हम साइन इन करते हैं तो वो आसानी से हो जाता है, लेकिन YouTube एप्लीकेशन में आपको साइन आउट का जो ऑप्शन है वो देखने को नहीं मिलता। जैसे कि ये है YouTube एप्लीकेशन, जैसे ये एप्लीकेशन ऑन हो जाती है तो आप यहाँ पर देखिए जो मेरा चैनल है यहाँ पर आपको कहीं पर भी साइन आउट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। अगर आप स्विच अकाउंट पर भी क्लिक करोगे तो भी आपको यहाँ पर साइन आउट का ऑप्शन जो है वो देखने को नहीं मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि YouTube एप्लीकेशन से साइन आउट कैसे किया जाता है। तो इसके लिए हमें जाना होगा बैक। बैक जाने के बाद आपको चलना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में चलने के बाद आपको ऐप एंड नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको देखना है YouTube एप्लीकेशन। तो ये है सबसे ऊपर ही YouTube ऐप, ये है ऐप इन्फो, यहाँ पर आप देख रहे हो। तो ये जो है यहाँ पर आपको चलना है और आपको यहाँ पर मिलेगा ऑप्शन स्टोरेज का, इस पर क्लिक करेंगे। स्टोरेज पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्लियर कैसे करना है, सबसे पहले इसको क्लियर कर देंगे और ये होने के बाद यहाँ पर क्लियर स्टोरेज कर देंगे। तो यहाँ पर क्लियर स्टोरेज, ये भी हम इस ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। ये सब होने के बाद फिर से चलना है हमें बैक और फिर चलना है अपने YouTube के एप्लीकेशन में। अब हम चलते हैं YouTube एप्लीकेशन में, ये है YouTube और अब देखते हैं इसमें साइन आउट का ऑप्शन हमें देखने को मिलता है या नहीं मिलता है। फिर से चलेंगे हमारे प्रोफाइल पर, यहाँ पर ये आ गया है मेरा चैनल और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है स्विच अकाउंट, इस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही इस पर क्लिक किया है मैंने, यहाँ पर आपको नीचे साइन आउट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पर मैं अगर क्लिक कर दूंगा तो मैं जो इस एप्लीकेशन से साइन आउट हो जाऊंगा। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर फिर से क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन आ गया है और मेरा जो अकाउंट था वो यहाँ से साइन आउट हो चुका है। तो दोस्तों इस आसान तरीके से आप अपनी YouTube एप्लीकेशन से साइन आउट कर सकते हो। अब जब आप फिर से साइन इन करोगे, यहाँ पर मैं अभी अगर साइन इन कर रहा हूँ फिर से मेरे इस चैनल से, तो ये साइन इन आसानी से हो जाएगा। और फिर उसके बाद जब आप एप्लीकेशन यूज़ करोगे तो आपका जो यहाँ का जो साइन आउट का ऑप्शन है वो फिर से आपको नहीं मिलेगा। तो आपको फिर से वही प्रोसेस फिर से दोहरानी है जो मैंने पहले बताई थी, जो कि साइन आउट के लिए हम अभी यूज़ कर रहे थे। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने YouTube चैनल से साइन आउट कर सकते हो अपने YouTube एप्लीकेशन से। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं अब हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।